नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। राजेश खन्ना का तिलिस्म एक दिन में नहीं बना था, बल्कि इसके लिए राजेश ने शुरुआती दौर में काफ़ी मेहनत की थी। उनके पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई पूरी करके उनके बिजनेस में हाथ बटाएं, लेकिन बेटा तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद में एक्टर तलाश किया करता था। खैर, आज हम राजेश खन्ना के शुरुआती दौर की नहीं बल्कि उस समय की बात बताते हैं जब उन्होंने अपना ठीक ठाक नाम बना लिया था। कई बार एक्टर्स अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बिना सोचे समझे बड़ा अमाउंट देखकर फिल्म साइन कर लेते हैं और बाद में परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी हुआ था। आइए आपको बताते हैं यह मज़ेदार किस्सा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस किस्से को सुनते हैं। राजेश खन्ना एक बार अधिक पैसे कमाने की चाहत में बुरी तरह परेशान हो गए थे। हुआ यूं कि मद्रास के एक फिल्म मेकर M.M. चिनप्पा देवर हाथी पर हिंदी फिल्म बनाने की हसरत लेकर मुंबई आए। चिनप्पा की राजेश से मुलाकात हुई और फिल्म के बदले एक्टर को मोटी रकम की पेशकश की गई। राजेश को उस समय किसी काम के लिए अधिक पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लिहाजा फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने हाँ कर दी। कहते हैं कि राजेश खन्ना ने उस दौर में फिल्म के लिए चिनप्पा से 5 लाख रुपये बतौर साइनिंग अमाउंट लिए थे। 70 के दशक में ये काफ़ी बड़ी रकम हुआ करती थी। फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर धीरज कुमार ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन फेमस स्टूडियो में शूटिंग के दौरान काका ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक सूटकेस दिखाकर बोले, खोलो इसे। मैंने उसे खोला तो हैरान रह गया। इतने नोट मैंने कभी एक साथ नहीं देखे थे। पूरा सूटकेस नोटों से भरा हुआ था। काका मुझे हैरान देखकर अपने अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। राजेश खन्ना की खुशी उस समय ख़त्म हो गई जब M.M. चिनप्पा देवर ने उन्हें स्क्रिप्ट भिजवाई। उसे पढ़कर काका को पसीना आ गया। पढ़ते ही उन्हें लगा कि इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनी तो बुरी तरह पिट जाएगी। ऐसे में राजेश को सलीम खान याद आए और उनसे बोले कि ये स्क्रिप्ट बहुत ख़राब है, मैं इस स्क्रिप्ट को वापस कर देता लेकिन काफ़ी पैसे ले चुका हूँ। उस वक्त उन्हें मकान या गाड़ी खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। शायद 9 लाख लिए थे, जो उनकी मार्केट प्राइस से करीब 4 लाख रुपये अधिक थे। 5 लाख तो साइनिंग अमाउंट के ही ले चुके थे। जावेद अख्तर ने इस वाक्य का जिक्र एक शो के दौरान किया था। जावेद साहब ने कहा था कि हमने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और राजेश से कहा कि हमारी एक शर्त है कि हमें इसमें जितने बदलाव करने हैं उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। राजेश बोले, कुछ भी करो लेकिन मुझे बचाओ। हमने उस कहानी में 4 हाथी छोड़ पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। इस फिल्म का नाम रखा गया हाथी मेरे साथी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद की जोड़ी ने राजेश खन्ना को उस समय जीवन दान देने का काम किया था। काका की इमेज को ध्यान में रखकर उन्होंने स्क्रिप्ट पर काम किया। इस तरह बनी फिल्म हाथी मेरे साथी में काका के साथ तनुजा थी। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो सफलता की कहानी लिख दी। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।